हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7वां चैप्टर त्रिभुज, जिसमें हम ये सीखेंगे कि आप किस प्रकार दो त्रिभुजों को सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए, प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है, चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर एडी है और एबी जो भुजा है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो देखिए आकृति में ये एबीसीडी एक चतुर्भुज हमें दे रखी है, इसके अंदर हमें ये कहा गया कि एक ये भुजा एसी और एक ये भुजा एडी, ये दोनों बराबर हैं। ये जो कोण ए है पूरा का पूरा, ये भुजा ए बी इस कोण ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ठीक है, अगर मैं इसको मान लू कोण नंबर एक और इसको मान लू कोण नंबर दो, तो इसका मतलब हुआ कि एक और दो बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जो ए बी है वो कोण ए का समद्विभाजक है। ठीक है, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम का चिन्ह होता है ये, यानी कॉन्ग्रेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एबीडी के। एबीसी यानी ऊपर वाली त्रिभुज और नीचे वाली त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, और बीसी और बीडी का के बारे में आप क्या कह सकते हैं यह हमें बताना है। तो देखिए लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया होता है प्रश्न में। दिया है क्या क्या दे रखा आपको? एक तो दे रखा है जी एसी बराबर एडी, और दूसरी चीज दे रखी है एबी जो है भुजा वो कोण ए का यानी कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजक है यानी दोनों कोण बराबर होंगे, वो कोण ए के जो दो भाग बनेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है हमें? हमें ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, तो देखिए हल कर रहे हैं इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीडी में, ये दो त्रिभुज हमने ले ली। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहली चीज जो हमने लिख ली है वो है एसी बराबर एडी, जो हमें दे रखी है। तो आप लिख देंगे एसी बराबर एडी। यहां इसका कारण जरूर लिख देंगे कि क्यों है बराबर, ये कारण है इसका, ये दिया हुआ है हमें। उसके बाद हमें दूसरी चीज दे रखी थी कि एबी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है। देखिए आकृति में ये ए बी है, ये इस कोण ए का समद्विभाजक है यानी दो कोणों के बराबर भाग में बांटती है इसमें कोण ए को। तो एक तो भाग हो गया कोण एक और दूसरा भाग हो गया कोण दो, ये दोनों भाग आपस में दोनों कोण अलग अलग बराबर हैं। तो अब आप ये लिख देंगे कोण एक बराबर कोण दो। इसका कारण लिखना है क्योंकि ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। ये कारण लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि हमने किस किस चीज का प्रयोग किया है। और तीसरी चीज जो है वो हम लिख देंगे ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है कि ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों के अंदर आती है। देखिए आकृति में ये जो भुजा है ए बी, ये ऊपर वाली त्रिभुज ए बी सी के अंदर भी है और ये भुजा ए बी इस नीचे वाली त्रिभुज ए बी डी के अंदर भी है। तो देखिए हमने क्या क्या चीजें बराबर करी, एक ये भुजा ए सी, एक ये भुजा ए बी और इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण एक, ए सी और ए बी के बीच में बनने वाला कोण एक किसके बराबर है? ए डी और ए बी में बनने वाले बीच में बनने वाले कोण दो के बराबर है, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो आप लिखेंगे अतः एस ए एस नियम के द्वारा, एस ए एस नियम किस चीज का नियम था? ये सर्वांग समता का, यानी कि कॉन्ग्रेंसी का, सर्वांग समता का नियम था एस ए एस नियम के द्वारा। एस ए एस क्यों लिखा गया? क्योंकि दो भुजाओं ए सी और ए बी इनके बीच में कोण बनता है एक और दो, इसलिए ए बीच में लिखा गया एस ए एस। इसका मतलब है कि जो दो भुजाओं के बीच में एक कोण होता है तो हमेशा एस ए एस लिखा जाता है। एस ए एस नियम के द्वारा त्रिभुज ए बी सी
सर्वांग सम है यानी कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज ए बी डी के, ये हमने सिद्ध कर दिया। दूसरे भाग में पूछा गया था कि ये जो भुजाएं दूसरी बची हैं ये बी सी और ये बी डी, इनके बारे में आप कह सकते हैं क्या, तो ये भी बराबर होंगी क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी भाग बराबर होते हैं। तो आप लिख देंगे अतः बी सी बराबर बी डी। क्यों है बी सी बराबर बी डी, कारण लिख देना, उसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जब भी दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं तो उनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए BC जो है वो BD के भी बराबर होगा। ये दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 7.1 का लिखा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है और कोण DAB बराबर कोण CBA है। देखिए ये ABCD चतुर्भुज दे रखी है, इसमें ये कहा है कि ये जो भुजा AD है ये इस भुजा BC के बराबर है और ये वाला कोण पूरा का पूरा DAB इस पूरे कोण CBA के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएसी के, बीडी बराबर एसी है और तीसरे भाग में कोण एबीडी और कोण बीएसी भी बराबर हैं। तो देखिए सबसे पहले पहले भाग से शुरू करते हैं, हमने लिखना है जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है दिया है कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो पहली चीज तो हमें दे रखी है कि एडी बराबर बीसी है और दूसरी चीज हमें दे रखी है कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए है, ठीक है। और जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है, सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। अब हम जो हमें सिद्ध करना है वो है त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएसी के। तो सर्वांगसम में आपको पता है तीन चीजें करनी होती हैं, तो वो करते हैं। देखिए हम जो सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि एडी और बीसी बराबर दिए हुए हैं हमें, तो आप वही लिखेंगे यहां पर सबसे पहले कि जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करनी है उनके अंदर से हमें कौन कौन सी चीजें लेनी है। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में ये दो त्रिभुज सर्वांगसम करनी है, इनमें से हमने पहली चीज ली जो हमें दे रखी थी ए डी बराबर बी सी। ये देखिए आकृति में देखते हैं, ये त्रिभुज है जो हमें सिद्ध करनी है ए बी डी, ये वाली मैं डबल लाइन में लगा देता हूं इसको ताकि आपको अलग से नजर आए कि हमें एक तो ये त्रिभुज है एबीडी और बीएसी ये वाली त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है हमने, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर भी लगा देते हैं ताकि पता चल जाए ये वाली त्रिभुज अलग है, सर्वांगसम सिद्ध करना है इन दोनों को, ठीक है। तो हमने एक तो पहली चीज ली एडी और बीसी बराबर होगी, दूसरा ये कोण हमें दे रखे थे बराबर है त्रिभुज बीएडी के अंदर ये वाला कोण और त्रिभुज एबीसी के अंदर ये वाला कोण, तो ये कोण भी हमें दे रखे हैं बराबर है, दिया है, हमने इसका कारण लिख देना है बाहर दिया है। और जो दूसरी चीज है कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए ये भी हमें दिया हुआ है। तो देखिए एक भुजा हो गई एक कोण होगी, अब एक और भुजा लेनी है, वो भुजा जो है इस प्रकार होनी चाहिए कि ये जो कोण है ये वाला जो कोण है ये जो कोण है ये उन दोनों भुजाओं के बराबर बीच में आए। तो ये भुजा ले ली हमने ये कोण, ये भुजा ले ली ये कोण, तो अगर भुजा ए बी जो है ये ऐसी भुजा है जो त्रिभुज बी ए डी के अंदर भी है और बी ए सी के अंदर भी है, यानी ये भुजा कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है। तो आपने यही लिखना है ए बी बराबर ए बी, कारण लिखना है उभयनिष्ठ। तो देखिए अब आप देख सकते हैं ये भुजा और ये भुजा इनके बीच वाला कोण, ये भुजा और ये भुजा इनके बीच वाला कोण, तो भुजा कोण भुजा नियम के अनुसार, भुजा कोण भुजा नियम कौन सा होता है, S मतलब साइड यानी भुजा, A मतलब एंगल यानी कोण और फिर S यानी के भुजा। तो भुजा कोण भुजा S A S नियम, किस चीज का नियम है ये सर्वांग समता का, सर्वांग समता का नियम था ये, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। दूसरे भाग में पूछा गया था कि बी डी बराबर ए सी सिद्ध करो,
और कोण एबीडी और कोण बीएसी सिद्ध करो। तो देखिए जो बीडी है और जो एसी है वो इसी त्रिभुज के भाग है, तो बीडी बराबर एसी, कारण लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं, यानी तीनों कोण और तीनों भुजाएं हमेशा बराबर होंगी अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम लिख दिया सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर हैं, और जो कोण था हमारे पास वो था कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी, ये भी बराबर होंगे, कारण यही रहेगा बिल्कुल सेम कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। तो इन दोनों भागों के लिए यही एक कारण आपने लिख देना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्नावली 7.1 का लिखा है, एक रेखाखंड एबी पर एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, मतलब ये एबी है, इस रेखाखंड एबी पे एक तो ये लंब डला हुआ है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, समकोण बीसी, और एडी पर ये दूसरा बिंदु ए पर है एडी, यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब रेखाखंड है एडी और बीसी, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर का चिन्ह लगा दिया मैंने, ये लगा दिया मतलब ये दोनों बराबर हैं, पता रहे हमें, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये रेखाखंड सीडी है ये इस पूरी एबी को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग, यानी हमें जो सिद्ध करना है वो ये ओबी और ये ओए, ये बराबर सिद्ध करके दिखाने हैं, तीन लाइनें लगा दी मैंने, इसका अर्थ है कि हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि OA और OB बराबर हैं। तो देखिए लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि AD बराबर है BC, और क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण A बराबर 90 डिग्री। लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, देखिए सिद्ध करना है कि जो CD है वो रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, और जब दो बराबर भाग हो जाएंगे उसके तो वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे OA और OB, ये बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसका हल लिख रहे हैं हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये दो त्रिभुज बनी है, एक ये त्रिभुज OBC और एक ये त्रिभुज OAD, ये दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे और कह देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो OA और OB बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD में, ठीक है, हमने एक तो हमें चीज दे रखी है BC बराबर AD, कारण लिख देंगे इसका, हमें ये दिया हुआ है, और दूसरी बात कोण B बराबर कोण A 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि ये भी हमें दिया हुआ है प्रश्न में कि लंब रेखाखंड है, ठीक है। और जो तीसरी चीज हमने लेनी है इसके अंदर, वो देखिए ये आकृति है हमारे पास, हमें ये BC और ये AD बराबर दिया हुआ था, ये कोण 90 डिग्री का दिया हुआ था, तो एक चीज और लेनी है, वो ये ले लेते हैं हम, ये कोण एक मान लेते हैं और ये कोण दो मान लेते हैं, तो ये कोण एक और कोण दो बराबर होंगे, कोण से कोण है ये, क्यों बराबर होंगे, इनका नाम है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं हमेशा। तो आप लिख देंगे कोण एक बराबर कोण दो, कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसलिए ये बराबर हैं। तो कौन सा नियम लग गया, आप देखिए दो कोण और एक भुजा, यानी AAS, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा नियम, किस चीज का नियम है ये, सर्वांग समता का, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OBC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज OAD के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो OA है वो OB के बराबर होगा, क्यों होगा, कारण लिख देंगे क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के हमें पता है, सर्वांगसम
त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, कि संगत भाग बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए क्या है OA और OB बराबर है। और OA OB बराबर का मतलब क्या है, CD रेखाखंड, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था और हमने सिद्ध कर दिया है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, क्योंकि जो दो बराबर भाग बने हैं OA और OB वो बराबर आए हैं। चौथा प्रश्न है प्रश्नावली 7.1 का, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए ये L और M दो समांतर रेखाएं, ये P और Q ये दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। हमें सिद्ध करना है कि जहां ये काटती है चार बिंदु हैं A B C D और AC भी आपस में मिला रखा है, मैं दिया प्रश्न में ये। हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ABC जो बनी है ये त्रिभुज CDA के सर्वांग सम है, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। और जो दे रखा है कि L और M भी समांतर रेखाएं और P और Q भी समांतर रेखाएं हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि हमें दे क्या रखा है जिसकी सहायता से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। दिया है P समांतर Q तथा L समांतर M, ये दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। और सिद्ध क्या करना चाहते हैं हम, जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया कि जो त्रिभुज बन रही है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करते हैं, यही दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज लिख लेंगे आप यहां पर कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में क्या क्या है, देखिए आकृति में देखते हैं। जो त्रिभुज ABC है और जो त्रिभुज CDA है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज CDA है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है ये एक, और ये वाला जो कोण है ये कोण दो, ये कौन से कोण बन गए, ये एकांतर कोण बन गए, क्योंकि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एक और दो जो कोण होते हैं ये एकांतर कोण होते हैं। उसके बाद इसी प्रकार जैसे ये एकांतर कोण यहां एक और दो बने हैं, अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये कोण तीन और ये कोण चार, ये भी एकांतर कोण है क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं तिर्यक रेखा काटती है, तो तीन और चार भी एकांतर कोण है, और एसी जो है वो उभयनिष्ठ है। तो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे, देखिए ये लिखना है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज सीडीए में कोण एक बराबर कोण दो, कारण हम लिख देंगे एकांतर कोण, बीच वाली भुजा एसी बराबर एसी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, और कोण तीन बराबर कोण चार फिर से वही एकांतर कोण। ठीक है, हमने भुजा जो है वो कोणों के बीच में लिखिए, क्योंकि ध्यान से देखिए एक और तीन के बीच में भुजा एसी है, तो इसलिए ए एस ए यानी कोण भुजा कोण का नियम लगेगा। तो आप लिख देंगे अतः ए एस ए से यानी कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल नियम से, नियम किस चीज का नियम है, सर्वांग समता का, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है, त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज सीडीए के, यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। देखा बच्चों आपने, ये था कक्षा नौवीं के लिए प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी बुक की, जिसके आज हमने आपको पहले चार सवाल समझा दिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, सर्वांग समता के नियमों को अच्छी प्रकार से समझना है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, खूब मन लगा के पढ़ें और सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, मैथ्स प्रैक्टिस करने से आता है। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ, हम बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक यू।